अपडेट क्वेरी को हम एक और एग्जांपल से समझेंगे, ताकि आप जितने ज़्यादा एग्जांपल करते जाएंगे उतना आप इस सॉफ्टवेयर से अवेयर होते जाएंगे। और एग्जांपल करने से फ़ायदा ये होता है कि हम जो है हमको ये आइडिया हो जाता है कि इस चीज़ से हम और भी कुछ चीज़ें इस प्रकार की जा सकती हैं। तो यहाँ पर अपडेट क्वेरी को समझने के लिए देखिए, सबसे पहले हम क्रिएट में जाते हैं और क्रिएट में जाने के बाद टेबल डिजाइन में जाते हैं और एक टेबल बनाते हैं। हम यहाँ पर डेटा टाइप लेते हैं एम्प्लॉई आईडी, इसका डेटा टाइप लेते हैं नंबर, फिर लेते हैं हम डेटा फील्ड का नेम एम्प्लॉई नेम, डेटा टाइप ये लेते हैं। अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं डायरेक्ट जो काम की चीज़ हमको अपडेट क्वेरी में चाहिए है वो ले लेते हैं। सैलरी ले ली हमने और यहाँ पर इसका डेटा टाइप ले लिया हमने करेंसी, और यहाँ पर आए और फिर से हमको दशमलव के बाद यदि हमको डेसिमल पॉइंट के बाद कोई वैल्यूज नहीं चाहिए तो ये ले लिया। और उसके बाद यदि देखिए आप यहाँ से हमने ले लिया इसको स्टैंडर्ड, ये सैलरी ले ली हमने यहाँ पर, और उस एम्प्लॉय को टीए यदि सैलरी के अनुसार मिलता है 4%, तो हम यहाँ पर टीए निकालेंगे। इसके लिए भी हमने करेंसी ले लिया और करेंसी लेने के बाद यहाँ भी इसको स्टैंडर्ड कर दिया और यहाँ पर जा करके इसको हमने ज़ीरो कर दिया। और डीए, टीए का मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस यात्रा भत्ता, इसी प्रकार से डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता। अभी हम यहाँ पर मुख्य रूप से एक्सेस में समझने के लिए चीजें कर रहे हैं, बाकी टीए डीए कंपनी के अनुसार जो है वो चेंज हो सकती हैं। इसके बाद जाकर के हमने फिर से ले लिया ये स्टैंडर्ड और यहाँ पर जाकर के हमने फिर से ले लिया जीरो। टीए डीए एचआरए, एचआरए का अर्थ होता है हमारा होम रेंट अलाउंस मकान किराया भत्ता। डीए का मतलब होता है डियरेंस अलाउंस महंगाई भत्ता, टीए का मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस यात्रा भत्ता। इसको भी हमने ले लिया यहाँ पर, करेंसी ले लिया और करेंसी में हमने यहाँ पर जाकर के ये करेंसी ले लिया, यहाँ पर जाकर के हमने फॉर्मेटिंग कर दी आपकी स्टैंडर्ड और यहाँ पर जाकर के हमने कर दिया जीरो। टीए डीए एचआर, एचआर हो गया। उसके बाद हमने ले लिया पीएफ और पीएफ लेने के बाद यहाँ पर हमने कर दिया फिर से इसको करेंसी और फिर यहाँ पर गए और यहाँ पर जा करके स्टैंडर्ड और ऑटो में जा करके हमने ले लिया जीरो। अब हम यहाँ पर निकालेंगे जो एम्प्लॉई है उसकी नेट सैलरी, उसकी मंथली सैलरी कितनी नेट बन रही है, सारी चीज़ें जोड़ करके पीएफ को घटा करके। इसको भी हमने करेंसी ले लिया और यहाँ पर जा करके हमने ले लिया स्टैंडर्ड और इसको जा करके कर दिया हमने जीरो। नेट सैलरी के बाद हम यहाँ पर निकालेंगे ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी हमने ले ली यहाँ पर करेंसी और इसमें जाकर के हमने कर दिया इसको स्टैंडर्ड और यहाँ पर भी जाकर के कर दिया हमने इसको जीरो। इस तरीके से आपको एक एम्प्लॉय की टेबल बनानी होगी, उसके बाद टेबल को सेव करना होगा और हमने यहाँ पर टेबल का नाम दे दिए एम्प्लॉय पे रोल, एम्प्लॉय का हम पे रोल निकाल रहे हैं। वैसे ये एक्सरसाइज एक्सेल में भी आपने देखी होगी और उसी एक्सरसाइज को अब हम अपडेट क्वेरी के द्वारा करेंगे और एक्सेस में उसको हम करेंगे। ओके बटन में क्लिक किया, कोई प्राइमरी की बनाना है यदि तो यहाँ से हम नो कर देते हैं। अगर आपको फिर भी प्राइमरी की लगाना है तो आप यहाँ से जाके मैनुअली इस पर राइट क्लिक कर देंगे तो एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की हो सकती है, क्योंकि सभी एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी यूनिक होती है, वो रिपीट नहीं होती है। अगर हम वो मैसेज आया था वहां यस करते तो क्या होता, वो एक आईडी कॉलम ऑटोमेटिक जोड़ लेता है, तो अपन को जरूरत नहीं थी, तो अपन ने वहां से नो कर दी और यहां से जाके राइट क्लिक करके जो है इसको प्राइमरी की बना सकते हैं। अब इस पे जाकर के इसको क्लोज कर दिया हमने और एम्प्लॉय टेबल को जाकर के हम क्या करते हैं डबल क्लिक करते हैं, देखिए आ गया। यहाँ पर हम डेटा ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम डेटा भर देते हैं और यहाँ पर एम्प्लॉय की जो है सैलरी हमको भरना है। बाकी अपडेट क्वेरी से टीए डीए एचआरए पीएफ नेट सैलरी ग्रॉस सैलरी ये अपडेट क्वेरी से हम ऑटोमेटिक निकालेंगे। दूसरी आईडी ले ली हमने और एम्प्लॉय का नाम लिख दिया, एम्प्लॉय की सैलरी ले ली। इसी तरीके से आप जितने चाहें रिकॉर्ड जो है वो भर सकते हैं। तो अभी मान लीजिए अभी हम प्रैक्टिस के लिए जो है मात्र आपको एक्सरसाइज बताने के लिए इतने रिकॉर्ड भरते हैं। अब हम अपडेट क्वेरी से यहाँ पर टीए डीए एचआरए सभी फील्ड के लिए कैलकुलेट करेंगे। इसको जाकर के हम सेव कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, क्रिएट में जाते हैं, क्वेरी विजार्ड में जाते हैं, ओके करते हैं। यहाँ से हमको एम्प्लॉय पेरोल वाली टेबल सेलेक्ट करना है, सारी फील्ड ले लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहीं से आप टेबल के डिजाइन व्यू में जा सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे मॉडिफाई द क्वेरी डिजाइन व्यू, फिनिश बटन में क्लिक करेंगे तो देखिए हम डिजाइन व्यू में आ गए। अब हमको यहाँ पर इस्तेमाल करना है कौन सी क्वेरी का, अपडेट क्वेरी का, तो ये हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अपडेट
क्वेरी, जैसे अपडेट क्वेरी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर चेंज हो जाएगा अपडेट टू। अपडेट टू में हम आएंगे टीए में, हमको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है टीए। टीए में राइट क्लिक करेंगे, बिल्ड ऑप्शन पर जाएंगे, एम्प्लॉय पेरोल सैलरी वाली टेबल को हम यहाँ पर टेबल्स में जाएंगे और जो हमारी ये टेबल है इसको ओपन कर लेंगे। हमको क्या निकालना था, टीए निकालना। टीए कितना निकलेगा, सैलरी का कितना प्रतिशत है, 4% है, सैलरी इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 और ओके कर देंगे। तो ये टीए आ गया। डीए के लिए भी राइट क्लिक करेंगे, बिल्ड में जाएंगे, ये कितना है सैलरी का कितना प्रतिशत है, 5%, तो इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, ये 5% सैलरी का डी आ जाएगा। एच आर ए निकालना, राइट क्लिक किए, फिर बिल्ड किए हमने, और ये सैलरी का कितना प्रतिशत निकालना है, गुड़े 3 डिवाइडेड बाय 100, ये सैलरी का कितना प्रतिशत आ जाएगा, 3%। पीएफ निकालना है, पीएफ में राइट क्लिक किया, बिल्ड किया, ये पीएफ हमको निकालना है कितना, 2%, तो हम जाएंगे सैलरी का कितना प्रतिशत निकालना है, 2%, गुणित कर दिया हमने, 2 डिवाइडेड बाय 100, सैलरी का 2% आ जाएगा। इसी तरीके से नेट सैलरी निकलेगी, राइट क्लिक करेंगे, बिल्ड करेंगे, नेट सैलरी कैसे निकलती है, सैलरी और उसके बाद प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए, और जो पीएफ है प्रोविडेंट फंड वो हर महीने कटते जाता है और ये भविष्य निधि के रूप में इसको इंजिन बोलेंगे, ये बाद में आपको मिलता है, इसलिए इसको हम घटा देते हैं यहाँ सैलरी से, ये घटा दिया और ओके कर दिया। इसी तरीके से ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए राइट क्लिक करेंगे, बिल्ड में जाएंगे, जो भी आपकी नेट सैलरी बनती है यदि उसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 12 का, टोटल एक साल में 12 महीने होते हैं, नेट सैलरी मतलब मंथली, ग्रॉस सैलरी मतलब एक साल का जो पैकेज होता है उसको बोलते हैं, 12 का गुणा कर देंगे, ओके कर देंगे। अब ये सारी यहाँ पर हमने फार्मूले लगा दिए हैं, उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रन ऑप्शन पर। जैसे हम रन में क्लिक करेंगे, यू आर अबाउट टू अपडेट 3 रो, जितना डेटा अपडेट होता है वो इतना मैसेज में बताता है, तो हमने केवल 3 रो का डेटा भरा था इसलिए यहाँ पर बता रहा है यू आर अबाउट टू अपडेट 3 रो, यस में क्लिक करेंगे और उसके बाद जाकर के सीधे हम जाकर के टेबल में रिकॉर्ड को देखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर टी ए डी एच आर ए पी एफ कैलकुलेट हो गया है, लेकिन नेट सैलरी और ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट नहीं हुई है, इसीलिए क्योंकि ये सारी चीजें हमको सैलरी के द्वारा निकलनी थी तो ये कैलकुलेट हो गई, लेकिन जब अपडेट क्वेरी हमने चलाई थी तो नेट सैलरी को निकलने के लिए ये डेटा नहीं था, ये डेटा तो एक बार क्वेरी चलने के बाद आया। तो अब हम फिर से इस क्वेरी को चलाएंगे, तो यहाँ पर अब हम आएंगे और यहाँ पर जाने के बाद फिर से जब हम रन में क्लिक करेंगे फिर हम यस में क्लिक करेंगे, और देखिए अगर आप ऐसे ही टेबल के डेटा को देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, तो आपको क्या करना है, या तो आप रिफ्रेश भी कर सकते हो, जैसे आपने रिफ्रेश में क्लिक किया देखो नेट सैलरी भी दिखाई देने लगा, अब ग्रॉस सैलरी फिर से नहीं आ रहा है, क्योंकि ग्रॉस सैलरी कब आएगी, जब नेट सैलरी निकल चुकी होगी, तो नेट सैलरी तो अब निकली है क्वेरी को रन करने के बाद। तो यहाँ से अब हम फिर से जाते हैं, फिर से डिजाइन में जाते हैं, फिर से इसको रन करते हैं, यस में क्लिक करते हैं, ये टेबल में आते हैं, ये देखिए अब ग्रॉस सैलरी भी हमारी कैलकुलेट यहाँ पर हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने अपडेट क्वेरी के द्वारा एक एम्प्लॉय का पेरोल किस तरीके से निकाला जाता है उसको यहाँ पर बताया।